देखिए बड़ी विचारणीय बात है। चूहा अगर पत्थर का होता है तो सब उसे पूजते हैं, सब कहते हैं तो गणेश जी का वाहन है, सब उसकी पूजा करते हैं, सब उसकी आराधना करते हैं। लेकिन चूहा जब जिंदा होता है तो उसी वक्त उसको मार देते हैं। सांप अगर पत्थर का होता है तो सब लोग उसे पूजते हैं कि ये तो महादेव का बड़ा प्रिय है, सब उसकी पूजा करते हैं, सब उसको फल पुष्प चढ़ाते हैं। लेकिन यदि सांप जिंदा हो तो उसी वक्त उसको मार देते हैं। कभी आपने विचार किया इस बात पर? माँ बाप अगर जिंदा है तो कोई उनको नहीं पूछता है, कोई उनकी परवाह नहीं करता है, कोई वैल्यू नहीं करता उनकी। लेकिन माँ बाप अगर तस्वीर में हो तो बड़ी पूजा होती है उनकी, बड़ा उनको पुष्प चढ़ाया जाता है, बड़ी उनकी आराधना की जाती है, बड़ी उनकी मंगल आरती की जाती है। लेकिन माँ बाप जब जिंदा होते हैं तो कोई बच्चा उनकी कदर नहीं करता। आपस में भाई भाई लड़ते हैं कि 6 महीने माँ तेरे साथ रहेगी, 6 महीने माँ मेरे साथ रहेगी। कितना एक अलग ही प्रकार का समय आ गया है। माता पिता भी बंटवारे का हिस्सा हो गए कि 6 महीने छोटे भाई की तरफ, 6 महीने बड़े भाई की तरफ। लेकिन माता पिता जब मर जाते हैं और उनकी एक बड़ी सी तस्वीर जब हम घर में टांग देते हैं तो बड़े प्यार से पूजा होती है, बड़ी प्यार से आरती होती है। मुझे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आती कि आज के इंसान को जिंदगी से प्रेम क्यों नहीं है, आज के इंसान को पत्थरों से मोहब्बत क्यों है, पत्थरों से प्रेम क्यों है। लोग मुर्दे को कंधा देने में बड़ा पुण्य समझते हैं कि किसी मुर्दे को कंधा दे दिया तो बड़ा पुण्य के भागी बन गए। अरे आप एक जिंदा व्यक्ति को सहारा क्यों नहीं देते? जब वो जिंदा होता है तब उसको सहारा देकर आप पुण्य क्यों नहीं कमाते? आप मुर्दे को कंधा देकर पुण्य कमाते हो लेकिन जिंदा व्यक्ति को सहारा देकर आप पुण्य क्यों नहीं कमाते? कभी आपने इस बात पर विचार किया कि आज के जो मानव है, आज का जो मानव है, उसकी सोच कैसी हो गई है कि उसको पत्थरों में तो भगवान दिखाई देता है लेकिन एक जीते जागते इंसान में उसे भगवान दिखाई नहीं देता है। भगवान खुद कहते हैं, मत ढूंढ मुझे आसमान की गर्दिशों में, मत ढूंढ मुझे आसमान की गर्दिशों में, यदि मैं तेरे अंदर नहीं हूँ तो शायद कहीं नहीं हूँ। जिस दिन व्यक्ति की विडंबना देखी है कि व्यक्ति अपने द्वारा बनाए गए मंदिरों में, जो मंदिर वो खुद बनाता है, उन मंदिरों में तो भगवान का दर्शन करता है लेकिन भगवान ने जो 5-5, 6-6 फीट के जो मंदिर बनाकर भेजे हैं, जो मानव रूपी मंदिर बनाकर भेजे हैं, उन मानवों में व्यक्ति भगवान का दर्शन नहीं करता। यही विडंबना है। इसी बात पर हमें विचार करना है कि हम कैसे प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं। हम मुर्दों को पूजते हैं लेकिन लेकिन जो लोग जिंदा हैं उनको हम जीने नहीं देते। आजकल इतनी ईर्ष्या हो गई है, कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसके हजारों दुश्मन हो जाते हैं। इसी बात पर उसी तूल में वो लगे रहते कि हम इसको कैसे मारें। आपने देखा होगा अभी रिसेंट में सिद्धू मूसेवाले की जो घटना हुई है, वो उसकी मृत्यु का कारण क्या रहा? केवल ईर्ष्या। लोगों को हजम नहीं हुआ, लोगों को नहीं पचता कि कोई हमसे आगे बढ़े। और उसके जाने के बाद में लोग आंसू बहा रहे, रो रहे हैं। जब वो जिंदा था तो लोगों ने उसे जीने नहीं दिया। बड़ा कष्ट होता है देखकर मुझे कि आज का मानव कितना दोगुला है। पीछे तो आंसू बहाता है और जब व्यक्ति सामने होता है तो उसकी वैल्यू नहीं करता है। ठीक है, इस प्रकार की जो धारणा है इसका हमें त्याग करना ही होगा। सम्मान तब कीजिए जब व्यक्ति वो आपके सामने है। उसके मरने के बाद आप आंसू बहाते हैं, सामने उसे गाली देते हैं तो आपके इस व्यवहार का कोई मूल्य नहीं हो जाता। आपको सहारा उस व्यक्त व्यक्ति को देना है जब उसे आपके सहारे की ज़रूरत हो। मुर्दे को सहारा देने वाले तो बहुत लोग मिल जाएंगे। आनंद का विषय तो तब बनता है जब आप किसी जीवित व्यक्ति की सहायता करते हैं, जब आप किसी को सहारा देते हैं, किसी का सहारा बनते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी, आप सभी के काम आए। देखिए संत जन कहते हैं, योगी बनो चाहे मत बनो लेकिन जीवन में उपयोगी अवश्य बनो। हम किसी के काम आ सकें इस बात का आप अवश्य प्रयास करें।